अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं सुल्तान, आइए देखते हैं आज की खबरें। कल दोपहर मशरम कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए श्री सविता इंदिरा रेड्डी मैसम्मा गुड़ा कोनाल मामिला पल्ली में पूजा के लिए शिरकत की। आइए देखते हैं रिपोर्टर गौस पाशा की रिपोर्ट। చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ ఇది, కొన్ని వందల సంవత్సరాల టెంపుల్. ఇక్కడ ఉన్న భక్తులకి రామస్థలం, చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఇక్కడ పూజిస్తూ ఉంటారు అమ్మవారిని. ఇక్కడ మొక్కున్న ప్రతి మొక్కు ప్రజలందరూ కూడా తీరేటట్టు అమ్మవారిని దేవిస్తూ ఉంటారు. ఎన్నికల కన్నా ముందు నేను కూడా ఇక్కడికి రావడం, అమ్మవారిని మొక్కుకోవడం, అమ్మవారి ఆశీర్వాదం ఈరోజు నేను శాసనసభ్యులు ఇక్కడికి రావడం, ఆ రోజు పురస్కరించుకొని ఈరోజు సోదరులు మహేందర్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అమ్మవారి చల్లని చూపి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల మీద, మోడపల్లి గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉండాలని. पिछले 3 साल से कई ड्राइवर्स जीएमआर एरो टावर्स कंपनी में जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे। आज उस कंपनी के एमडी से मुलाकात की और अपनी परेशानी जाहिर की। कंपनी के एमडी ने 15 दिन की मोहलत ली और कहा कि सबको नौकरी फराहम की जाएगी। मैं शमशाबाद लोकल जावेद अली खान, ये ड्राइवर्स के लिए मैं मेहनत कर रहा था 3 साल से, जो आज हमारे को आज हम जीएमआर ऑफिस साइड ऑफिस पे भरत कामदार साहब से मिले। जो गरीब गुरबा ड्राइवर जो मोहताज हो गए खाने खाने के लिए, पानी पानी के लिए, जो आज मैं उनके लिए सपोर्ट के लिए आया हुआ हूँ। आज भरत कामदार साहब से बात हुई, वो 15 दिन का टाइम मांगे हैं। इंशाल्लाह आज हमारे को रिस्पेक्ट दिए हैं भरत कामदार साहब, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आज जो भी है उनके तरफ से आज हमारे को एक सेपरेट काउंटर डाल के देते बोले। जो ड्राइवर्स आज जो महरूम फिर रहे हैं, हम उनके लिए मेहनत और जो भी है, जो 100 मेंबर्स 100 ड्राइवर्स को चुनेंगे बोले, 100 ड्राइवर्स को चुन के उसके लिए हम एक काउंटर डाल के डीसीपी साहब एसीपी साहब से भी बात करेंगे बोले। एसीपी साहब भी इसमें इन्वॉल्व है और डीसीपी साहब भी है, इसके बारे में हम जो भी है बात करेंगे। और हमारे इंचार्ज जो मैनेजिंग डायरेक्टर है भरत साहब बात करे हैं मेरे से, तकरीबन आधा घंटा बात करे, वो वजह से जो भी ड्राइवर्स के लिए काउंटर हम सेपरेट डाल के देंगे या जो भी करना है, एक 15 दिन का टाइम मांगे हैं, वो 15 दिन में हमारे को रिजल्ट देंगे बोल के बोले। इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ ताउन करिए और भरत साहब की इज्जत करिए। और जो भी है प्रीपेड कई बोल के नहीं, हर एक के लिए उन्होंने एक दरवाज़ा खोले हैं आज हम मिलने की सूरत पे। इंशाल्लाह आप लोग पूरे जने हमारे साथ ताउन करिए, आगे और इसके आगे और कुछ भी हासिल हो सकता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जो पिछले कई अरसे से गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, आज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैयदा नाहिदा खादरी की गुलपोशी की गई। मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी, खिदमत की प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से मैं नीलोफर हॉस्पिटल के पास और कैंसर हॉस्पिटल के पास लोगों के लिए हमारे तरफ से खाना का इंतजाम किया था। हमारा खिदमत जो हमारा वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी तरफ से यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर खाना खिला रही हूँ, बहुत ही खुशी महसूस होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो काम है, मेरे इस काम में कई सारे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर हमारा साथ देते हैं, वो लोग ही मेरा सपोर्ट है। इन तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। 300 लोगों के लिए यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाता है। नीलोपुर और कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ हम हाल ही में उस्मानिया हॉस्पिटल के पास भी हमारे एसोसिएशन की तरफ से खाने का इंतजाम कर रहे हैं, और साथ ही में चांदमीनार हॉस्पिटल के पास भी खाने का इंतजाम किया जा रहा है। वहाँ पर भी इसी तरह सेम 300 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। तो इसके लिए तमाम लोगों का मैं आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो जो लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही में हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआओं की वजह से ही आज कामयाब। और कितनी जगह खाना खिला रहे मैडम? मैंने कहा ना अभी, जैसे कि नीलोफर और कैंसर हॉस्पिटल के साथ साथ हम चांदनी और उस्मानिया के पास खाना खिलाते हैं, और इसी के साथ हम दूसरे काम भी करते हैं, जैसा कि गरीब बच्चों के इलाज करवाना, जो बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो गाँव से आकर रहते हैं, ऑटो से आके, जो ऑटो स्टेशन से एक नए शहर में वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी
हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से जो भी उनका टेकर होता है वो उनको बराबर हमारी तरफ से मदद दी जाती है। और कहीं सारे जो यतीम बच्चे होते हैं जिनके बड़े भाई न रहते वालिद न रहते, वैसे बच्चों की भी शादी के इंतजाम में जैसा कि फर्नीचर है या फिर उनकी शादी के खाने पीने का इंतजाम है, वैसे भी कामों में हमारा रेस्टोरेंट बहुत सारी मदद करता है। लोग अलहमदिल्ला वैसे तो हर काम में मैं कामयाब हो रही हूँ और ये सब कुछ हमारे जितने के सपोर्टर्स हैं उनकी वजह से, उनकी दुआओं से कामयाब हो रही हूँ। अलहमदिल्ला आगे भी मेरा इरादा ये है कि यहाँ पर मैं इस वक्त हमारे नीलोपुर और जैसवा हॉस्पिटल के पास वीक में 3 or 4 टाइम्स खाना खिलाते हैं हम लोग। मेरा इरादा ये है कि यहाँ पर डेली सीधा खाना खिलाया जाए, और उस्मानिया के पास भी 2 बार खाना खिलाते हैं वीक में, वहाँ पर भी डेली इंतजाम किया जाएगा इंशाल्लाह। और चांदनी के पास भी फ्राइडे टू फ्राइडे खाना खिलाती हूँ, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी डेली खाने का इंतजाम करेंगे हमारे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की पाक ज़ात का जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमें इस मुकाम पे पहुँचाया। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नाज़रीन का, हमारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और हमारा न्यूज़ चैनल देखा। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी बहन नाहिदा खातरी का कि वो हमेशा हिम्मत खल का काम करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो आज ये काम हुआ है इसकी नेकी भी हमारी बहन नाहिदा खातरी को मिले, कि वो हमेशा के लिए अच्छा काम करते हैं। सभी का बहुत बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी खबरनामे के साथ मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सारा न्यूज़।